फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे डी से 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पास में लिखिएगा। सबसे पहले आप कोई भी एक सीधी लाइन ले लेंगे जिसको हम बेस लाइन लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मान लिया मैं इस पॉइंट से ड्रॉ कर रही हूँ एंगल, ठीक है। आप दोनों पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता देती हूँ इस एंगल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए इस वाले पॉइंट पे ये निशान रखना आपने, सीधी लाइन बिल्कुल लाइन पे रहेगी, और ये जो हमारा 30 डिग्री है ना, ये देखो बेसमेंट की तरफ झुकेगा। 90 डिग्री यहाँ पे है तो 30 यहाँ पे है, बेसमेंट की तरफ झुकेगा, यहाँ पे लेंगे, ये ध्यान रखना है बच्चों ने। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे ऐसे, तो ये जो हमारा एंगल बना है ये हमारा बना है 30 डिग्री। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। इसी पॉइंट से मैं बना रही हूँ पहले। अब देखिए ये वाले पॉइंट को इस पे रखेंगे, लाइन को बिल्कुल लाइन पे रखेंगे। अब देखिए 90 डिग्री का यहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया था 90 से कम के एंगल सारे बेस लाइन की तरफ झुकेंगे, तो हम 60 वाला ये रहा निशान पे पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। अब ये जो हमारा एंगल बना है ये बना है 60 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा है, बहुत प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। यहां से इसी पॉइंट से खींचते हैं, तो देखिए ये पॉइंट पे ये पॉइंट लेंगे, सीधी लाइन पे सीधी लाइन, ये रहा सीधा 90 का, बिल्कुल सीधा जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ये जो हमारा बना ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और इसको इस तरीके से शो करते हैं, आप ऐसे गोल में भी शो कर सकते हैं, इस तरीके से आपने ड्रॉ करने हैं। अब देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर से पॉइंट से ड्रॉ करें, इधर पॉइंट से ड्रॉ करें, ये तीनों एंगल अब मैं आपको इधर वाले पॉइंट से भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं 30 वाले पे। देखिए यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं इस पॉइंट से ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। पॉइंट पे हम पॉइंट रखेंगे, लाइन पे लाइन रखेंगे, रखी। अब देखिए 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है, हमारा बेसमेंट की तरफ झुकेगा 30 डिग्री वाला, तो हम यहाँ पे ये रहा 30 डिग्री, तो इस पॉइंट पे लिया मिला दिया, ये जो हमारा एंगल बना 30 डिग्री। सबसे मेन क्या होता है बेटा, ये जो झुकाव होता है ना ये सेम होता है, वो चाहे आप यहां से बनाओ चाहे यहां से बनाओ, कहीं से भी बना लो। अब देखिए 60 डिग्री का यहाँ पे हमने बना लिया है यहाँ पे। अब मैं इस पॉइंट से आपको बना के दिखाती हूँ, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, उस पॉइंट से बनाएंगे तो कहाँ जाएगा मैडम, इधर से बनाएंगे तो कहाँ जाएगा। लाइन पे सीधा लाइन रखेंगे, पॉइंट पे पॉइंट रखेंगे, रख लिया। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ पे है, 60 90 से कम होता है तो बेसमेंट की तरफ झुकेगा, कहाँ पे है ये रहा यहाँ पे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ये देखिए ये बन गया 60 डिग्री। अब 90 डिग्री का इस पॉइंट से बनाएंगे, इस पॉइंट पे हम बना चुके हैं तो इधर पे बनाएंगे, बिल्कुल पॉइंट पे पॉइंट रखना है, लाइन पे लाइन, आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, बस और तो कुछ नहीं मापना होता आपको, ठीक है। सीधी लाइन पे लाइन रखी, पॉइंट पे पॉइंट रखा, 90 डिग्री यहां पे आ गया, ये 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे बनाइए, एंगल क्या होगा सेम बनेंगे, इसका जो झुकाव है वो इधर की तरफ बेसमेंट लाइन की तरफ ही होगा। बस बच्चे क्या करते हैं कई बार डी में मापते हैं ना, मान लिया पॉइंट ले लिया, तो अब यहाँ पे भी उनको 60 दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी 60 दिखाया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका एक ही तरीका है, 90 से कम वाले एंगल जो भी आप बेस लाइन ले रहे हो उसकी तरफ झुकेगा, 90 से ज्यादा वाला एंगल बेस लाइन से दूर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 180 आता है, ठीक है। बस इसी चीज का आपने ध्यान रखना है।